हेलो जी, नमस्ते। देसी चूल्हा किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू के पराठे, वो भी थोड़ा अलग हटके। उसके साथ बनाएंगे हम आलू का एक रस्सा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बनाने में बहुत ही आसान। चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पराठा बनाते हैं। पराठा बनाने के लिए हमने यहाँ पर 250 ग्राम गेहूं का आटा लिया है, अजवाइन 1/4 टीस्पून, नमक डालेंगे 1/2 टीस्पून। अब हम थोड़ा थोड़ा नॉर्मल पानी डालते हुए एक सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे। डो हमारा काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब इसमें हम 1 छोटी चम्मच तेल डालेंगे और फिर से इसे हम अच्छी तरीके से नीट कर लेंगे। डो हमारा जितना सॉफ्ट होगा, पराठे हमारे उतने ही अच्छे बनेंगे। जब डो हमारा तैयार हो जाए तो इसे हम ढककर 15 मिनट रेस्ट होने के लिए रख देंगे। अब हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 4 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे नमक 1/2 छोटी चम्मच, अमचूर पाउडर 1/2 छोटी चम्मच, अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे 1 छोटी चम्मच, चिली फ्लेक्स डालेंगे 1/2 छोटी चम्मच, हरी धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई डाल देंगे और सबको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते तो भी इसे बिना लहसुन के भी बना सकते हैं। सबको हम मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग रेडी है। अब हम आलू का रस्सा तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने 3 बड़े साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं, जिसे मैंने रफली तोड़ लिया है हाथों से। हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, नमक 1/2 छोटी चम्मच या अपने अनुसार, चिली फ्लेक्स 1/2 छोटी चम्मच, हल्दी पाउडर 1/4 छोटी चम्मच, 1/4 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी इसमें हम लगभग 1.5 से 2 ग्लास डालेंगे। काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालने से सब्जी में बहुत अच्छा कलर आता है, ये तीखा नहीं होता। अब एक कढ़ाई को गैस पर गर्म करेंगे, उसमें हम आलू वाले मिश्रण को डाल देंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर उबलने देना है। तब तक डो भी हमारा रेस्ट कर चुका है। इसे हम एक बार फिर से नीट करेंगे 1 मिनट तक और इससे हम छोटी छोटी लोइयाँ निकाल लेंगे। छोटी बॉल जितनी बड़ी सारी लोइयाँ हम निकाल लेंगे। सब्जी भी हमारी बॉयल हो चुकी है, इसे उबलते हुए 10 मिनट लगभग हो चुके हैं। ग्रेवी थोड़ी पतली होनी चाहिए। अब सब्जी को खट्टा करने के लिए 2 सूखी हुई आम की कलियाँ, जिसे मैंने 20 मिनट पहले भिगा कर रखा था, वो हम डाल देंगे। अगर आपके पास आम की कलियाँ ना हो तो आप अमचूर पाउडर या नींबू का रस या इमली का रस, कुछ भी आप डाल सकते हैं। अब सब्जी को 2 से 3 मिनट हम और पकने देंगे। अब हम आटे की एक लोई लेंगे और सूखा आटा लगाकर इसे हम थोड़ा छोटा छोटा बेल लेंगे। इस तरीके से मोटा ही बेलेंगे, पतला नहीं रहेगा। ये सारी लोइयों से हम छोटी छोटी और मोटी मोटी रोटियाँ बेल लेंगे। अब 2 रोटियों को हम अगल बगल में रख देंगे और 1 बड़े चम्मच आलू वाला मिश्रण लेंगे, जो हमने तैयार करके रखा था। इस तरीके से हम रोटियों पर फैला देंगे। किनारे थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे हम और दूसरी रोटी से इसे हम चिपका देंगे। आप देख सकते हैं इस तरीके से। इसी तरीके से हम फिर से बनाएंगे और सारी लोइयों को इसी तरीके से हम आलू लगाकर बनाकर रख लेंगे। सब्जी भी हमारी पक चुकी है, ग्रेवी काफ़ी पतली है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और सब्जी को उतार लेंगे। अभी तक इसमें हमने तेल घी कुछ भी नहीं डाला है। अब एक तड़का पैन रखेंगे गैस पर और 1 चम्मच देसी घी डालेंगे। 1 सूखी लाल मिर्च तोड़कर डाल देंगे। अब इसमें हम 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, हींग डाल देंगे 2 पिंच, 4 से 5 करी पत्ते डाल देंगे। अब तैयार तड़के को सब्जी के ऊपर डाल देंगे और सब्जी को थोड़ी देर ढक देंगे। बहुत ही टेस्टी आलू का रस्सा बनके हमारा तैयार हो गया है। अब हम आलू वाले दोस्ती पराठे बनाएंगे। सूखे आटे की डस्टिंग करेंगे और के हाथों से इसे हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, नहीं तो पराठे हमारे फटने लगेंगे। 2 लोइयों के बीच में आलू रखकर दोनों को चिपकाकर इसे बनाया गया है, इसलिए इसका नाम मैंने दोस्ती पराठा रखा है। अब हम तवा गर्म करेंगे। जब तवा हमारा गर्म हो जाए तो पराठे को उस पर हम डाल देंगे और थोड़ी देर बाद इसे हम पलट देंगे। इस पर हम 1 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहें तो इसे तेल या बटर में भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसमें आप बना लें। फिर से पराठे को पलटेंगे और उस पर फिर से घी लगा देंगे और दोनों साइड से इसे हमें गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है। इस तरीके से बहुत ही अच्छा कलर पराठों का आ गया है। पराठे हमारे सिक भी चुके हैं। 1 पराठे से हमारे 2 पराठे बन जाते हैं। अभी मैं खोल के दिखाऊंगी इसे। जब पराठे हमारे सिक जाएंगे तो इसे हम इस तरीके से खोल देंगे। आप देख सकते हैं दोस्ती का रंग इतना पक्का है कि एक पे आलू लगाया और दोनों पराठों में आलू का रंग चढ़ गया, इसीलिए इसका नाम दोस्ती पराठा है। हमारे 2 पराठे एक साथ बन गए हैं। आलू वाले दोस्ती पराठे खाने में ऐसे ही बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आप सब्जी नहीं बनाना चाहते तो इसे आप अचार या दही के साथ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन आलू के रस्से के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगता है।
मुझे उम्मीद है आप भी इस रेसिपी को देखते ही अपने घर में जरूर ट्राई करेंगे। अगर रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। पराठे कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।